रून कादवानी ने लास्ट टाइम जब अपने वालिद अब्दुल्ला कादवानी के साथ इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बता दिया था कि जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं इस तरह का रोल करूंगा वो उन्हें मिल चुका है और वो इसे मतलब कुछ ही अरसे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज उसकी कुछ तफसीलात मेरे हाथ लगी हैं जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ताकि आपको मज़ीद हिस्सा की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज जो हारून कादवानी ने अपने ड्रीम रोल वाला एक ड्रामा साइन किया था वो जियो टीवी का सेवन स्काई का ही होने वाला है। इसके अलावा उन्हें एक मूवी भी ऑफर हुई है, शायद वो उसे भी एक्सेप्ट करें। अभी बात करें इस ड्रामे की तो मुझे जो न्यूज़ मिली है वो ये है कि इस ड्रामे की कहानी जो है जिस तरह खानी ड्रामा था उससे मिलती जुलती है और इसमें वही एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी जो उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हैं। सिर्फ मेरे पास अभी तक इतनी अपडेट ही आई है। अब बात करें कि उनके साथ किन किन एक्ट्रेस ने काम किया है तो आपको पता होगा, एक तो किंजा हाशमी ने उनके साथ रूपोश में काम किया है, तेरी मेरी कहानी में उनके साथ सहर खान ने काम किया है और उनका जो पहला डेब्यू ड्रामा था उसमें उनके ऑपोजिट जारा नूर थी जूम ड्रामे में। तो अब मुझे लगता है कि अगर उनके साथ किसी मतलब एक्ट्रेस को रिपीट करना है, दोबारा पेयर अप करना है तो शायद वो सहर खान हो सकती हैं। और अगर इसकी खानी ड्रामे से स्टोरी मिलती जुलती है तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये खानी टू भी हो सकता है या डिफरेंट टाइटल भी हो सकता है। अब आप बताइएगा कि आपको हारून कादवानी फिरोज खान के जो रोल्स हैं जो मतलब वो करते हैं वैसे रोल में वो कैसे लगते हैं हारून कादवानी, और आप उनको खानी की तरह एक और कहानी में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, और आप उनके ऑपोजिट इस ड्रामे में किसको देखना चाहते हैं, सहर खान को, किंजा हाशमी को, जारा नूर को या फिर किसी और एक्ट्रेस को, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।